आप टेंशन के ले रहे हो, ये देखें सर कैमरा मैन, कैमरा मैन अली न्यूज़। पिछले 5 से 6 माह में एक साहब इस कमरे में नहीं आए, वो साहब हूँ मैं, यानी कि मैं। तो भाई साहब आज का व्लॉग अपलोड एडिट करने से भी पहले मेरा फोकस है कि मैं इसका थंबनेल एडिट करूं, और आज का जो व्लॉग है उसका 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट तो ये कि हम मुल्तान गए क्यों, मुल्तान हम क्यों गए थे, वैसे तो व्लॉग में ही आएगा ना। मुल्तान हम गए भाई को छोड़ने, खैर ओके। और जो दूसरा पार्ट था वो फिर हम बना लेते होते हैं। मेरे साथ बट था और वो सारी स्टोरी फिर देखते हैं अभी। खैर 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 कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, अल्लाह खैर करे। और अभी जुमे का टाइम होने वाला है, फिर ये व्लॉग भी एडिट करना है। 5-6 माह में मैंने एक चीज़ नोट की है कि मुझे जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है एडिटिंग का। एडिटिंग मुझे काफ़ी हद तक भूल गई है, मुझे ये फील हो रहा था कि यार कैसे एडिट करना है, कैसे एडिट करना है। रात भी जब मैं इसको ऑन करके गया हूँ तो मैं सोचा था कि यार इसका ना थंबनेल एडिट करता हूँ, तो मुझे याद ना आ रहा कि यार मैं किस पर एडिट करता था, कैसे एडिट करते हैं, सारी चीज़ें जो ना जहन से निकल रही थी। खैर वो भी आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एक फ़ायदा ये हुआ कि किसी चीज़ को छोड़ के आप जब दोबारा करते हैं तो उसमें आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। एक्सपीरियंस नाम इसी चीज़ का कि किसी चीज़ को आपने पहले से किया और दोबारा जब आप उसे करते हैं, यार मुझे तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, मैं ये कर चुका हूँ पहले, तो उस चीज़ को करने के बाद अब काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि यार पहले ये किया था इस तरीके से और इसमें जो भी गलतियाँ करते थे या जो भी कमी कोताहियाँ थी उनको हम अब कवर कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा की जर्नी पिछली दफ़ा की जर्नी से ज़्यादा अच्छी गुजरेगी इंशाल्लाह। मैं ये देख के हंस रहा हूँ आपको नहीं। फिलहाल तो पार्किंग का इशू चल रहा है, पूछो इतनी खड़ी कर दी है, कोई तंग तो नहीं करेगा हमें, को तंग ना करे। ये थोड़े थोड़े आइटम भी करता है। ओ भाई साहब ने अगले दिन भी मोबाइल फिर गया, बच गया, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ और जा पता कर रहा। भाई साहब ने अगले दिन भी मोबाइल गिराया और टूट गया था इसका पैनल टूट गया, और आज भी भाई साहब ने मोबाइल गिरा दिया है इंतहाई खुशी में। हाँ जी वो कह रहा है हुसैन अली चौक है आगे। अच्छा उस पे और ये थोड़ा सा ही आगे हैं, तो कह रहा है पैदल चले जाओ, पैदल आ जाओ। वहाँ पे पार्किंग बनाई हुई है, उन्होंने पार्किंग बनाई हुई है नीचे घर के, ये सीधा जाना है। चल आ जा फिर आ जा। पार्किंग तो हमने ढूंढ ली है साहब ने, वो नीचे। अब बट साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना चढ़ाई है। ओ बट साहब ये चढ़ाइयाँ कुछ नहीं है, आप चढ़ चढ़ के थके हैं पहाड़ों पे भाई, बहुत चढ़े हैं हम यकीन करें, पहाड़ होते डंडे के। पहाड़ सीधे होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, ये सिर्फ 6 इंच का होता है। मौसम ठंडा है, भाई साहब ने अपर पहनी हुई, मैंने नहीं पहनी हुई, उसकी वजह जैकेट ले गया। मुल्तान में आप जब भी कभी जाएं तो वहाँ पे आप फील करेंगे वहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि औलिया कराम और बुज़ुर्गों की मज़ारें बहुत हैं तो वहाँ पे कबूतर भी बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ पे कबूतर ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आप जाएं तो कबूतर फ़ौरन से उड़ जाते हैं, आपको करीब जाते ही उड़ जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कबूतर बैठे हैं दाना खा रहे हैं तो आप उनमें जाकर उनको दाना डाल सकते हैं, वो आराम से खा रहे होंगे, कुछ उड़ते भी हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है उस टाइम का। तो आप जब भी कभी मज़ार पे जाएं तो वहाँ पे दाने ले और उनको ज़रूर डालें। कितने की प्लेट है? 20 रुपये। 20 की एक प्लेट तो दें। सांस चढ़ गया भाई, चलो हमारे से सांस अच्छा है भाई। अब आप पहले किले पे चलते हैं ना, और किले पे चल के, किले पे चढ़ते नहीं हैं, किले पे चलते हैं, चलते हैं चल के फिर देखते हैं। मामला दुरुस्त करना है लोगों का, तो कदम किले पे चढ़ते हैं, चढ़ते है नहीं है चलते हैं, किले पे चलते हैं जैसे हम चल रहे हैं। ओए होए 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 और ये भाई नहीं भाई ये सेंसर होगा सारा। ओए होए इधर से यार मुल्तान वाकई नजर आता है। ये आर्ट गैलरी, ये है आर्ट गैलरी। मेरे साथ मेरी हमेशा की चप्पल, जोकर मैंने पहने नहीं, मैंने कहा ड्राइव करना मुश्किल होगा। हाँ किधर ऊपर जाना है? हाँ इतनी जल्दी, अभी उम्र ही क्या ऊपर जाने की,
यार जाने का वक्त सबका मुकर्रर है यार। कितने टिकट है? 10 रुपए। हैं 10 रुपए में आप ऊपर जाए। क्या बात है, ऊपर से फिर नीचे भी 10 रुपए में आएंगे। हाँ। भाई दो टिकट तो दे। ये सिलवाना है शादी पे ना तूने, बट ये वाला है तूने ऐसे सिलवाना है, ठीक है ना? फिर ऐसे भी होने चाहिए ना, ऐसे को देने का राजी नहीं हो रहा। हो जाएगा। ओए रास्ता ये है यार, ये हालत के अंदर तो बड़ा गंद है यार। ये देखो ये लोग गंद फेंकते हैं। मैंने नहीं फेंका, मैंने साफ वाला थूक फेंका, गंद वाला नहीं फेंका यार। बट वापसी पे हमने साइकिल लेके जाना है। ठीक है, ये हमें बड़ी जरूरत है, पेट्रोल हो गया। ठीक है, पेट्रोल हो गया महंगा इस, ये बहुत अच्छा जरूरत है हमें इसकी। फिर हमने लेके रखे। ठीक हो गया सर। कैमरा मैन जुनेद भट्ट के साथ हम चल रहे हैं। ये देखें, जैसे कि अली भाई को चढ़ने का बड़ा शौक है, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ने का। ये सीढ़ियाँ देखें, अच्छा ये देखें, ये लोगों की छतों पर चलता हूँ। ये देखें, ये व्यू देखें आप, अभी हम आपको बाहर से भी व्यू दिखाते हैं। ये देखें, पहले इसकी दीवारी होती थी कच्ची, मट्टी की बनी होती थी ना, पूरा किला था ना। अभी इन्होंने इसकी रेनोवेशन मेरे ख्याल से की है। ये देखें, ये पहले है मुल्तान शहर, पहले ज़्यादा अच्छा लगता था। वो देखो बहावलपुर, वो देखें, वो देखे आपने, वो कबूतर बट आपके उड़े हैं। बट साहब के कबूतर भी उड़ रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, आपको दूसरा व्यू भी दिखाते हैं। घंटा घर है भाई, ये सामने आप देख सकते हैं घंटा घर। ये देखें, ये घंटा घर। ओए डर लग रहा है भाई, मोबाइल पकड़ के रखे तो मोबाइल गिरा देता था हमेशा। ये देखें, ये कबूतर है, बचरा भी कुछ नहीं है। ये व्यू देखें सारा। ओ भाई मुझे तो डर लग रहा है भाई, डर लग रहा है, वाकई डर लग रहा है। और बहुत ऊंचा भाई है, बड़ी स्टेडियम है ये वाला। अब हम आपको स्टेडियम की तरफ ले चलते हैं। अच्छा भाई, मुझे आज तक ऐसा कैमरा मैन नहीं मिला, यकीन करें इतनी डिटेल से चीज़ें बताते समझाते हैं। कासिम बाग मुल्तान, ये देखें हम आपको देख लेंगे, वो अपन दिखाना है बस। वो तो ठीक है यार, हज़रत शाह शम्स तबरेज इस तरह फैरो है, वो सामने वाला मिजार मेरे ख्याल से उनका। हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखें, मंदिर ऑफ प्रहलाद भगत। जल्दी बोल, मेरा सुबह दिल्ली निकलना है। ओह माय गॉड। और ये देखें, ये यहाँ का जो मिजार है, सरदार मुतफीन हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी। ये देखें, ये मिजार है यहाँ का, हम आपको वो भी दिखाएंगे। आलम सहरवर्दी। अच्छा ये है, और मैंने आपको अपनी शक्ल तो दिखाई नहीं। ये देखें आपको, मैं अब शीशे में अपने आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें, आप टेंशन के ले रहे हो। ये देखें सर, कैमरा हो, कैमरा मैन अली न्यूज़। हम अब आपको लेके जा रहे हैं मिजार के अंदर, इसमें हम आपको मिजार का अंदरूनी मंजर दिखाएंगे। अब आप ये पहचाने ये कौन है? आपने हमें बताना है ये कौन था। ये था डॉक्टर जुनेद भट्ट। सच में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह और बहुत ही पीसफुल वाकई। बचपन में देखा था लेकिन अब जो है फीलिंग्स चेंज है इसको देखने के लिए, और देख के भी फीलिंग्स काफ़ी चेंज है। कैसा फील हो रहा है बट? बहुत अच्छी जगह है, शुगल तो अपनी जगह सी ला ले, लेकिन सुकून भी बहुत है। एक दिन मेरे नबी जबरील नो एक तूते तक खुदाई है कोई दस मेरे दया। एक दिन मेरे नबी मेरी अखा जिया अखा किते वेखिया नी अखा
दस मैनू आके किते पैंदियां नी दसां। भाई साहब ने हमारी एक तस्वीर बनाई वहां पे गेट पे बैठे और अपना मोबाइल ही गिरा बैठे, पता नहीं उसका कोई नुकसान हुआ या नहीं हुआ। पहले मेरा मोबाइल गिर गया, पहले इसका गिर गया, उसका गिर गया, बेचारे का उसका मोबाइल गिर गया था भी, उसका पीछे से डायमंड वीवो का नया और वो पीछे शाइनी वाला ग्लास वाला जो था वो था V51 था शायद, वो भी था उसका, बस गैजेट रह गया। खैर अब हमारे मोबाइल की बैटरी 10% और हम ने फुल एंजॉय कर लिए, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम घर को वापस जा रहे हैं इंशाल्लाह, घंटे डेढ़ में हम घर पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बट साहब जितना चल के आए हैं ना अब उतना वापस भी जाना पैदल, तुसी वीडियो ते बना लिए शौक शौक के, हुन पैदल भी जाना है पहाड़ है तो उतर के। देखो मैंने अपने आप को ढीला छोटा हुआ जा रहा हूं, खुद ही जा रहा है ये वो फिजिक्स में है मेरे ख्याल से, मुझे आप दो मेरी है, मैं जादू बन रहा हूं, जादू मेरे अंदर पावर आ रही है ये।